अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए, हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बोझिल कर देती है। आप किसी भी उम्र के हो, जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हंसना मुस्कुराना भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही मुस्कुराहट यही हंसी आपको मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत देगी। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन अक्सर लोग छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं और दिल और दिमाग में इस तरह बिठा लेते हैं कि उन्हें अंदर से ही ना कहीं आप समझ सकते हैं कि टेंशन हो जाती है, दुखी हो जाते हैं, उन्हें खूबसूरत सी जिंदगी भी बेकार लगने लगती है और फिर अचानक से दुनिया छोड़ने का फैसला लेते हैं। तभी तो अमित, यूनाइटेड नेशंस ने सुसाइड के मामलों को लेकर चिंता जताई है, फिक्रमंद है और साल 2030 तक आत्महत्या के एक तिहाई मामलों को कम करने का टारगेट सेट किया है। लेकिन ज्योत्सना, एक तरफ पूरी दुनिया में खुदकुशी के मामले जहां कम हो रहे हैं, वहीं भारत में तो उल्टे बढ़ रहे हैं। पिछले 3 साल में 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान ली है। और पूजा, आपको बता दें कि हालत तो ये है कि सुसाइड को लेकर सरकार को राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति बनानी पड़ी है, यानी कि पॉलिसी बनानी पड़ी है सुसाइड को लेकर, ताकि ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके। ये मसला इतना गंभीर है कि सरकार ऐसे लोगों को बचाने के लिए हर जिले में डॉक्टर्स तैनात कर रहे हैं, ताकि इनको किसी तरह से कंसल्ट करके ठीक किया जाए। देखिए, ये तैयारी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप तीनों के चेहरे पर ये शिकन अच्छी नहीं लगती। हमें ये समझना होगा कि मुश्किलें तो हर एक के जीवन में आती हैं, हम सभी लोग अलग अलग मुश्किलों से जूझ भी रहे हैं, लेकिन खुशहाल जिंदगी वही जीते हैं जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं, रोजाना योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, क्योंकि रिसर्च भी यही बताती है कि योग आपको जीवन सिखाता है, इसे जीने की कला सिखाता है। और ये जीने की कला हम कैसे सीखेंगे? योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में चलकर। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुप्रभात। स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम स्वामी जी। आपके अंदर का बालक भी तो अभी जीवित है स्वामी जी। ओ सारी आप सब देवियों को प्रणाम, देवताओं को प्रणाम। और देखो, यहाँ पर मेरे साथ ही तो बालक कर रहे हैं ना, त्राटक भी करो बेटा, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, भ्रामरी उद्गीत कर रहे हैं, शिरोधारा चल रही है, उधर शिराभ्यंग चल रहा है, शिराभ्यंग पादाभ्यंग, और ये जलनेति सूत्र नेति, ये सारे उपाय ना, ये मस्तिष्क को ठंडा रखने के लिए। और मस्तिष्क को ठंडा रखने के साथ साथ बड़ी बात होती है, हम अपनी संवेदनाओं को संजो के ऐसे रखें कि हम किसी भी बात से एक तो हाइपर ना हो। कितने कार्य होते हैं, अब जैसे मीनाक्षी जी मेरे पास यहाँ देख रही थी कि मुझे मान लीजिए 10 चैनलों को इंटरव्यू भी देना है, साथ में गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं उनका प्रोग्राम भी देखना है, साथ में 250 बच्चों को संन्यास भी देना है, हजारों करोड़ रुपए का परमार्थ मूलक आर्थिक साम्राज्य भी देखना है, लेकिन मन को शांत रखना है और प्रसन्न रहना है। ये बालक घबरा गया था, संकट संघर्ष चुनौतियां आती हैं तो व्यक्ति घबरा जाता है, क्या हो गया था जी? मेरी मदर की डेथ होने के बाद ना ये मुझे लगा भी मुझे भी सुसाइड करनी चाहिए, ऐसी स्थिति में पहुंच गया था। फिर कैसे बचाया अपने आप को? आपको आस्था को देख देख के, आपको सुन सुन के मैंने योग किया, 1 घंटा अनुलोम विलोम किया। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल फिट हूँ जी, अभी कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्या नाम है? विक्रमजीत, पंजाब से। विक्रम का विक्रम पराक्रम जाग गया, अभी मरने से बच गया, अब रोज कर ले बेटी। हाँ जी, सुबह लेट भी हो जाए तो इंडिया टीवी देख लिया कर। हाँ जी स्वामी जी, अभी तो मैं 2:30 बजे उठ जाता हूँ, 3 बजे उठ जाता हूँ। क्या बात है रे राम, बस 3 बजे पीछे मत जाना। अब ये सारे भाई आप देख रहे हो ना यहाँ, और जो ये थेरापी सब देख रहे हो, इन्होंने अपने आप को उभार लिया है। ऐसे ही सारी थेरापियाँ जो ना भी कर सके तो कम से कम अनुलोम विलोम कर ले। दाहिनी तरफ दो देवियाँ बैठी हैं, इन्होंने भी अपने आप को ऐसे उभार लिया, और ये अपने भीतर का जो बाल सुलभ जो सौंदर्य है, सहजता है, बाल सुलभ जो हमारी मुस्कान है, सहजता है, वो टूटे नहीं, और निरंतर हम जो शीर्षासन कर सके। देखो, आज मैंने एक और तत्व कहा मीनाक्षी जी, जी, जो सारे बुरे विचारों से, बुरी भावनाओं से, सारे दुर्विचार, सारे दुगुण, सारे दोष, सारी दुर्बलताओं से मुक्त होना चाहे वो तो सन्यासी बन जाए।
लेकिन कम से कम आंशिक संन्यास तो सबको लेना चाहिए। बुरा आहार, बुरा विचार, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार, ऐसे बुरे तत्व जो हमें कष्ट देते हैं, सबसे बुरा तत्व है बुरा विचार। उसके का एक चेन रिएक्शन होता है और उस चक्रव्यूह से व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। इसी को कहते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, सिजोफीनिया। और ये सुसाइडल जो अटेम्प्ट करते हैं ना लोग, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि एक बार जो दुर्विचारों के, नेगेटिव थॉट्स के चक्रव्यूह में फंसा, तो एक के बाद और दूसरा भयावह खतरनाक विचार आ जाता है और व्यक्ति को ऐसा लगता है इस जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अभी अपनी माँ से बहुत प्रीति करता था विक्रम, लेकिन अब इसको जब योग से समझ में आई कि मैं अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करूँगा, अपने आपको संभाल के रखूँगा, तो मेरी माँ जहाँ भी होगी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो इसने अपने आप के प्रवाह को बदला। ऐसे ही ये बदलाव आज हम सबके जीवन में लेके आएंगे, जो शीर्षासन कर सके वो शीर्षासन कर लेंगे, और जो शीर्षासन नहीं कर सकते, सर्वांगासन नहीं कर सकते, जैसे वो बालक भी सर्वांगासन कर रहा है वो। स्वामी जी, दो बातें तो मैंने जो हरिद्वार में खुद अनुभव की है वो दर्शकों के साथ भी मैं साझा करूंगी। पहली बात तो ये कि स्वामी जी, ये संन्यास का पथ आसान नहीं है। ये वाकई में पलायनवादी सोच रखने वाले तो बिल्कुल भी इस पथ पर आगे ना जाएं, क्योंकि वो टिक ही नहीं पाएंगे। वाकई में ये बहुत बड़ा परमार्थ का काम है, बहुत बड़े जिगर का काम है। और स्वामी जी, दूसरी बात ये जो अभी आपने कही कि आप लगातार बिना रुके, बिना थके और उतनी ही ऊर्जा के साथ सुबह 4 बजे से लेकर मैंने जितनी देर तक आपको अपनी आंखों के सामने देखा, रात को चाहे मोहन भागवत जी का कार्यक्रम हो, दोपहर में इंटरव्यूज हो, बच्चों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी हो, व्यापार की जिम्मेदारी हो, आपके अंदर एक क्षण भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि कहीं ऊर्जा की कोई कमी हो। और यही सीखने वाली बात है स्वामी जी, लोग अपने अंदर के बच्चों को जिम्मेदारी और समझदारी के बोझ तले खत्म कर रहे हैं। हर वक्त लोग परेशान रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि परेशानी कब उनकी आदत बन जाती है। स्वामी जी, आप भी तो इतना लगातार जुझारू और एक मिशन के साथ लगे रहते हैं, लेकिन कभी आपकी मेंटल हेल्थ पर तो कोई असर नहीं पड़ता। तो लोग इतने कमजोर क्यों हैं? उनकी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है, मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, तो पहले तो फिजिकल हेल्थ बनाने के लिए पूरे योग का पैकेज के बारे में तो एक बात कहूंगा जी। हाँ, वो मैं बता दे रहा हूँ। पलायनवादी, प्रमादी, जातिवादी नहीं, राष्ट्रवादी, अध्यात्मवादी, मानवतावादी, योगी, कर्मयोगी, पुरुषार्थी, परमार्थी। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, जो हम बार बार करते हैं ना, वो हमारी आदत बन जाती है। योग करेंगे तो योग करने की आदत, सोएंगे तो सोने की आदत, ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा खाने की आदत, उल्टी पुल्टी चीज़ें देखेंगे उल्टा पुल्टा खाने पीने की, जीने की आदत। ये सारा एक शब्द में मैं कहूँ, जो हम बार बार करते हैं वही हमारी रुचि, वृत्ति, प्रवृत्ति, स्वभाव, संस्कार, वही हमारा जीवन बन जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, एक पग भी पापों की तरफ, दोषों की तरफ, दुर्बलताओं की तरफ, पराधीनताओं की तरफ, विलासिता की तरफ, नकारात्मकता की तरफ, नकारात्मक विचार, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता, एक बार भी उधर ना, और फिर कहीं भूल हो गई तो तुरंत संभल जाए। इतनी शक्ति हमें दे देना दाता। भूल कर भी कोई भूल हो ना, हम चले नहीं रस्ते पर हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो। तो देखो, शीर्षासन सर्वांगासन के बाद ये जो मकरासन और जो भुजंगासन है, इसी पैकेज का हिस्सा है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सहज सहज से उपाय हैं ये। अब ये तो भुजंगासन और ये दो तरह से, और मकरासन भी दो तरह से, इसको तो लोग लंबा कर सकते हैं, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे। और ये जो बोझ है ना, बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जियो, भार के साथ नहीं, निर्भार होकर कीजिए। कर्तव्यों से पलायन नहीं है, जीवन तो मंतव्य, कर्तव्य, गंतव्य का साधन, साधना और साध्य का, चरैवेति चरैवेति का नाम है। जीवन तो अनादिकाल से चल रही और अनंत काल तक चलने वाली एक सतत यात्रा है, सतत प्रवाह। और इसमें मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, अभी मेरुदंड के अभ्यास भी बताते बताते एक ही बात कहूँगा, मुश्किल चाहे लाख लेकिन
एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है। मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती। अच्छा चलो स्वामी रामदेव को छोड़ो, हमारे इंडिया टीवी के जो प्रमुख हैं आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी को देख लो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देख लो, अमित शाह जी को देख लो, इनको तो जितना मौत का सौदागर कह करके और गुजरात से बाहर ही निकाल दिया था अमित शाह जी को तो। और चाहे भगवान राम जी, कृष्ण जी, प्रोफेट मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, किसी को देख लो ना, किसकी जीवन में बाधाएं नहीं आई। तो ये बाधाएं, ये संघर्ष, ये चुनौतियाँ, देखो एक चीज़ मैं कहता हूँ, छोटी छोटी तकलीफों को व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, जरा जरा सी बातों पर व्यक्ति विचलित हो जाता है ना। और इसमें क्या करें, एक तो योग करें, दूसरा जिनके किसी भी कारण से कोई जेनेटिक रीजन होते हैं, कई बार घर परिवार का इन्वायरमेंट ऐसा होता है, क्लेश कर देते हैं कुछ लोग घर में, हर समय झगड़ा, हर समय नेगेटिविटी, जीवन को किस दृष्टि से कोई देख रहा है, कैसा भी कोई वातावरण के कारण से घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, नफा नुकसान, बहुत सारी चीज़ें जीवन में चलती रहती हैं, वो प्रवाह है, सुबह दोपहर शाम, अंधेरा उजाला, ये जीवन के प्रवाह है, पतझड़ बसंत की तरह। तो ऐसा हो ना तो खाली पेट मेमोरी ग्रिड खाने के बाद मेधावत, और गाय का घी, गाय का ही दूध इस्तेमाल करें, और ज़्यादा दिक्कत है थोड़ा ब्राह्मी ग्रिड का इस्तेमाल कर लें, अथवा बादाम रोगन, हमने एलमंड ऑयल और ये वॉलनट ऑयल, ये इसका नस से और इससे सिर में मसाज, और फिर बादाम रोगन से लेकर के नारियल के तेल से लेकर सिरोधारा करवाते हैं, जो ये जलनेति, सूत्रनेति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये छोटे छोटे उपाय हैं जो ये अभी जो हम शीर्षासन से लेकर के ये मर्कटासन तक कर रहे हैं, इतने भी जो ना कर पाए पूरा, अच्छा पूरा ना कर पाए तो कितना करेगी, इतना हो जाएगा पैर, इतने भी फायदा है, इतने भी फायदा है, और जिनका पूरा हो जाए तो पूरे में और पूरा फायदा। तो मैं एक बात तो बस यहाँ ये कह रहा हूँ, एक तो योग और दूसरा अपने जीवन में आयुर्वेद का उपयोग, और सबसे बड़ा तत्व है ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, लिसन पॉजिटिव। हमारे हेड, हार्ट और हैंड्स में ये जो पॉजिटिविटी जिस दिन घटित हो जाएगी ना जी, ये तीनों तत्वों में, उस दिन फिर हम परम तत्व को, परम सत्य को पा लेंगे मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, क्योंकि आपने जिक्र किया पॉजिटिविटी की, कि उससे मैं जोड़कर एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत में आत्महत्या यानी सुसाइड के जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और पिछले 3 साल में 4.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान ले चुके हैं, और इसमें सैलरी क्लास, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, बेरोजगार, बिजनेसमैन, सब इनकी तादाद है। जाहिर वजह है कि अलग अलग होगी इनकी, अलग अलग कोई ना कोई टेंशन रही होगी जिंदगी में, परेशानी रही होगी, इंसान नेगेटिव इमोशंस की चपेट में आ जाता है, मूड स्विंग होता रहता है, तो माइंड को पॉजिटिव रहने के लिए कैसे ट्रेन करें ताकि इस तरह की अनहोनी ना हो। और पिछले 2-3 साल में तो हमने देखा था कोरोना की वजह से जो लोगों की लॉसेस हुए थे, चाहे बिजनेस हो या फिर पढ़ाई में, बहुत सारे लोगों ने इसी वजह से भी अपनी जान दी थी। तो स्वामी जी, इस तरह की जो परेशानियाँ आती हैं उस वक्त अपने मन को कैसे समझाएं? तो एक तो मैंने कहा योग में अपने चित्त को लगाएं, अब इसके छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं। आपने जैसे योग करना शुरू कर दिया, अब ये कठिन जो नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू करो ना, ये पवन मुक्तासन तो ईजिली हो जाता है ना, यही करो, उत्तान पदासन ईजिली हो जाता है ना, इसी को करो, सेतु बंध तो इजीली हो जाता है, इसी को करो, और कुछ नहीं होता है तो मंडूकासन, शशकासन तो इजीली हो जाता है, इसी को करो, ऐसे पूरी भक्ति के साथ करना, एकाग्रता के साथ करना। एक उपाय योग करो, उसमें योग में योगासन भी है, व्यायाम भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, योग के साथ यज्ञ भी है, योग करें, यज्ञ करें, भजन करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, अब ये उपाय हैं सारे, कुछ तो करें, प्रक्रिया है, ये मैकेनिज्म है, ये प्रोसेस है पॉजिटिविटी को डेवलप करने का, जब तब करें। और एक खास बात, यदि ज़्यादा कठिन योग भी ना होना तो भस्त्रिका, कपालभाति,
अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें और अपने बड़ों के आदर्श अपने सामने रखें, जिसमें भी आपकी प्रीति है। अब इस प्रीति के कई कारण हो सकते हैं, आप किसी न किसी एक रोल मॉडल को अपने आंखों के सामने रखें, इससे ना बहुत मदद मिलती है। शीर्षासन बड़ा जबरदस्त है स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन के लिए। ऐसे पैर पास में करके आगे झुके, देखो ऐसे और ऐसे, फिर एक में ऐसे पैर खोल लिए और ऐसे पूरे झुक गए, पूरे के पूरे ऐसे हैं। आगे पीछे झुकने से ही, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो एक बात बताना चाहता हूँ, आप जब योग करते हो ना तो अपने आप एक परिणाम घटित होता है। जैसे सूरज उगा तो अंधेरा अपने आप छटता है ना, बीज धरती में डाला अच्छी मिट्टी में अच्छे खाद पानी के साथ तो पेड़ बनता है ना। तो ये योग बहुत बड़ा उपाय है। बाकी अपने आँखों के सामने हमेशा, जैसे मैं हमेशा महर्षि दयानंद को अपनी आँखों के सामने रखता हूँ कि सारा जग बैरी हो गया तो भी सच की राह उन्होंने छोड़ी नहीं। मैं भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जो पूरा जीवन है, उनका जो पूरा चरित्र है, जो राम कथा में हम भागवत में जो सुनते हैं भगवान राम कृष्ण का चरित्र, मैं ऐसे ही अपने आँखों के सामने अपने महापुरुषों का चरित्र रखता हूँ। इसी को शास्त्र में ऐसा कहा है मीनाक्षी जी, महाजनो ये न गता सपंथा। तो ऐसे जब अपने आंखों के सामने दृश्य रखेंगे मीनाक्षी जी, अमित भाई, तो कैसे जीवन में नैराश्य, कुंठा, नेगेटिविटी आ सकती है? आ ही नहीं सकती, कब तक ही नहीं आ सकती। बिल्कुल स्वामी जी, आपने जिक्र किया कि आंखों के सामने, इसीलिए आप कहते हैं ना कि ऐसे पुरुषों को रखें, महापुरुषों को रखें जिससे कि आपको जीवन में पॉजिटिविटी मिले। फिलहाल तो हमने आंखों के सामने आपको रखा है, हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 से लगातार आप जिस तरह से लोगों के अंदर पॉजिटिविटी दे रहे हैं, कितने लोगों ने कोरोना को मात दे दिया है। स्वामी जी, ज़्यादा समय तक अगर तनाव में रहते हैं तो ये आँख हम जिसका जिक्र कर रहे थे उस पर भी असर पड़ने लगता है। डिप्रेशन के मरीज अक्सर आईब्रो के पास सिर में चुभने जैसा सिरदर्द महसूस करने लगते हैं, और इसके लिए स्वामी जी क्या उपाय है ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत आम चीज़ है, लोगों को पता नहीं लगता कि उनको किस वजह से आखिरकार ये माथे के ऊपर दर्द होता है। एक तो त्राटक करें, देखो जो बालक कर रहे हैं ना त्राटक, उसके बगल में तो पद्मासन लगा रहे, रे बड़ा मजबूत बच्चा हो गया। पद्मासन में मयूरासन कर रहा है, एक तो ये अनुलोम विलोम करें, त्राटक करें। आँखों के लिए बहुत ज़बरदस्त है नंगे पैर मिट्टी पर या घास पर चले। इसके लिए अक्षय तर्पण भी होता है, जैसे सिरोधारा हम दिखा रहे हैं ऐसे अक्षय तर्पण भी हमने कई बार दिखाया हुआ है। आँखों में गाय का घी डालते हैं, मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी घृत और आँखों के लिए महात्रिफला घृत आँखों में डालते हैं। आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पिलाते हैं और नशे कराते हैं। आँख पर कान का भी असर पड़ता है, कान में ईयरग्रिड डलाते हैं, नाक में नशे, आँख नाक कान का एक कनेक्शन है। कफ के कारण से आँखों की दिक्कत आती है, स्ट्रेस के कारण से आँखों में भी दिक्कत आती है, आईसाइट भी कम होती है। चिंता जो करते हैं बहुत बेचैन अशांत रहते हैं, उनके आईसाइट भी वीक हो जाती है, आँखों के नीचे काला काला आ जाता है, बहुत बुरी हालत में लोग पहुँच जाते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या होलिया बना रखा है, लोगों छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते। आँखों के यहाँ कोलेस्ट्रॉल जम गया, अरे गोदन अर्क पी लो, गर्म पानी पी लो, लहसुन खा लो, लिपिडोम ले लो, लौकी घनमट्टी ले लो, लौकी का जूस पी लो, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खा लो, पानी ज़्यादा पी लो, यहाँ गड़बड़ हो जाती है, फिर ये काला काला हो जाता है। तो एलोवेरा पिए, एलोवेरा जेल लगा लें ऐसे। तो आपने तो देखा मीनाक्षी जी, मैं पूरी धूप में ऐसे रहता हूँ देनदार, तब भी कोई असर नहीं होता। क्यों? कभी कभी मैं एलोवेरा लगा लेता हूँ और एलोवेरा और गिलोय रोज पी लेता हूँ, एलोवेरा आंवला गिलोय ये रोज पी लो। तो आँख के लिए नाक में नशे करें, उससे कफ भी दूर होगा और आँख की आँख में अच्छी रहेगी। ईयर ग्रिट उसको भी जो है कान के अंदर डाल लेने से ना बड़ा ज़बरदस्त असर होता है। अनुलोम विलोम शीर्षासन, सर्वांगासन या आँख के लिए बहुत अच्छे। तो आई ग्रिट दो दो गोली सुबह शाम देंगे, आँखें 100 साल तक अच्छी रहेंगी। हम पश्चिम सरदह सतम हो जाएंगे, हम जीवे में श्रद्धा सतम हो जाएंगे। अगला और कोई विषय है संदर्भ है तो ले लीजिए। कि स्वामी जी, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनका डाइजेशन भी ख़राब हो जाता है। देखिए, लोगों को शायद ये पता ही नहीं होगा कि नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर हैं तो आप जो खाना खाते हैं वही पचता नहीं है,
और क्या ये सच है कि और शरीर को लगता भी नहीं, लगता भी नहीं है। जो कहते हैं ना कि खाते वक्त अच्छा सोचो, खाने के बारे में अच्छा सोचो तो आपका जो खाना होता है शरीर को लगता है। स्वामी जी वाकई में ऐसा है या फिर कि जो असर पड़ता है आप जो सोचते हैं उसका असर आपके पेट पर भी जाता है? और उससे पहले स्वामी जी अच्छा सोच के अच्छे विचारों के साथ खाना बनाओ तो खाने वाले का भी मन दिल पेट सब खुश होगा, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ एकदम 100% सही बातें हैं ये। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना तो जो अच्छे गट बैक्टीरिया पैदा होते हैं 4 ट्रिलियन से ज़्यादा, बिलियन नहीं ट्रिलियन से ज़्यादा गट बैक्टीरियाज होते हैं। वो अच्छे गट बैक्टीरियाज तब पैदा होते हैं जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो भूख भी अच्छी लगती है, खाया पिया हजम भी होता है, गैस एसिडिटी नहीं बनती। जब आप अनमने होकर के खाते, बेचैन अशांत तो दुखी होकर के खाते हैं और रहते हैं, दुखी होते रहते दिन भर, तो खाया पिया हजम नहीं होता, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस होता है, बहुत उपद्रव होते हैं। इसलिए देखो जीवन के बारे में एक तत्व बड़ा कह देता हूँ, उसमें बहुत कुछ आ जाएगा। ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रावसन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, ये तो करना ही करना। पॉजिटिविटी को आप कितने अर्थों में कह सकते हो? दिमाग में पॉजिटिविटी, दिल में पॉजिटिविटी, हमारे कामों में पॉजिटिविटी, हर जगह। माने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, संसार में, हर जगह आप पॉजिटिविटी से भरा हुआ है पूरा अस्तित्व और उसी से टिका हुआ है। नेगेटिविटी तो विध्वंस लाती है जीवन में भी और जगत में। इसलिए एक है विधि, एक है निषेध। विधि को ही कहते हैं अभ्यास और निषेध को कहते हैं वैराग्य, जिससे छूटना है। जब मीनाक्षी जी मेरे से संन्यास के बारे में बार बार पूछ रही थी तो मैं कह रहा था देखो दो ही चीज़ें हैं, एक कंप्लीट डिटैचमेंट, जिससे छूटना है उसको छोड़ दें, और कंप्लीट अटैचमेंट, जिसको पकड़ के रखना है, सद्ज्ञान को, सद्भावों को, सद्गुणों को, योग को, धर्म को, अध्यात्म को। चटपटा खाना कैसे छोड़ दे, उसको लेके लोगों का कितना मन करता है खाने के लिए, इष्ट अभीष्ट। उससे बड़ी बात स्वामी जी कह रहे हैं। तो एक 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 देखो लोग पूरा जीवन संन्यास लेना तो बहुत दुर्लभ। मैंने कहा कम से कम बुरे आहार से, बुरे विचार से ही संन्यास ले लो, उसी से तुम पहले तो निरोगी बन जाओगे और धीरे धीरे योगी भी बन जाओगे, आपके भी सौभाग्य के द्वार खुल जाएंगे। तो जिनके पेट गड़बड़ है ना, एक तो योग करें जो अभी बता रहे, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी पिए, खाने के बाद अभयारिष्ट कब्ज है तो कॉन्स्टिपेशन होने पर, कोलाइटिस होने पर कुटजारिष्ट, डाइजेशन थोड़ा गड़बड़ है, इंडाइजेशन है तो द्राक्षासव, ओहो हो बड़ा जबरदस्त, अप्रतिम, नींद भी अच्छी आती है, भूख भी अच्छी लगती है, ब्रेन नर्वस सिस्टम भी अच्छा रहता है, द्राक्षासव, कुमारियासव, खून के कुमिया तो लोहासव, ये छोटी छोटी बातें। और खाली पेट लिवोग्रिट जो है, कल ही मेरे से कहने लगे अमित शाह जी, बोले जी मेरी बहन को 7 साल हो गया, उसके पति बहुत बड़े सर्जन हैं, सर बहुत बड़े डॉक्टर अमेरिका में, वो ठीक नहीं कर सके कोई दुनिया के डॉक्टरों को, आपने जो लिवोग्रिट दिया उससे ठीक हो गया। तो बोले इनका पेटेंट और कराओ स्वामी जी आप। तो हमने कहा हमने तो लीवर के लिए नहीं, हमने किडनी के लिए रिनोग्रिट, हमने इन्फर्टिलिटी के लिए संतति सुधार, लंग के लिए ब्रोनकोम स्वासारी, और हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, ब्रेन के लिए मेमोरग्रिट और मेधावटी, ऐसी चीज़ें बनाई हैं अप्रतिम, मधुनाश्री मधोग्रिट डायबिटीज़ के लिए, कि डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लीवर, बोले जी उसका तो फेल हो गया था, डॉक्टर ने बोल दिया था, बोले वो तो 4 धाम करने आ गई थी कि बस अब शायद जीवन की यात्रा कब रुक जाए, और बोले अब 100% उसके लीवर के सेल्स रिजुविनेट हो गए, ये वर्डिंग थी आदरे अमित शाह जी की। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बोले स्वामी जी आप इस योग आयुर्वेद को इतना बढ़ाओ कि लोगों को एलोपैथी की तरफ जाना ही ना पड़े, क्योंकि हम तो सरकार में, सरकार कभी किसी चीज़ को प्रतिबंधित नहीं कर सकती किसी पैथी को, लेकिन इतनी श्रद्धा पैदा कर दो योग आयुर्वेद में कि 99% लोग इसी को फॉलो करने लग जाए। तो ये लीवर से लेकर के, किडनी से लेकर के, लंग हार्ट से लेकर के, ब्रेन से लेकर के, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आयुर्वेद में, न जाने क्यों। अच्छा डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, नींद की दवाइयाँ खाते रहते हैं लोग, नशे की दवाइयाँ, कोई दवाई ही नहीं है अमित भाई जी। ये मैं अमित भाई शाह की बात कर रहा था, अरे मैं तो भूल ही गया था, एक अमित हमारे पास भी है। स्वामी जी जो बात आपने कही त्याग की, बलिदान की, तो छोटे छोटे त्याग, जैसा कि अमित ने कहा चटपटा खाना या फिर रजाई छोड़ना, आलस को त्यागना, ये जीवन में करेंगे तो बड़ी सफलताएं, बड़ी उपलब्धि हम पा पाएंगे। गुस्सा करना छोड़ दो, नाराज होना छोड़ दो जी।
स्वामी जी, आप इसी के साथ में एक रिसर्च का भी जिक्र कर लेती हूँ, उसके मुताबिक डिप्रेशन से बुजुर्गों में एजिंग तेज हो रही है और अपनी उम्र के लोगों के मुकाबले वो ज्यादा उम्र दराज दिखने लगे हैं, महसूस करने लगे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय हैं, कैसे ये एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं और साथ ही डिप्रेशन, एंजाइटी और एंगर को कम कर सकते हैं? ये ना अब देखो, मस्तिष्क में डिजनरेशन होगा ना, तो फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये दिमाग की एजिंग सबसे पहले ठीक करो। इसके लिए तुम मेधावटी और ये मेमोरी ग्रिट, ये तो ज़बरदस्त है, और थोड़ा ब्राह्मी ग्रिट या गाय का घी खा लेना। आप देखो, टोटल बॉडी की एजिंग के लिए इम्यूनोग्रिट है, हमने इसको ब्रेन सेल्स पर भी इस्तेमाल किया, आँखों पर भी, लीवर के, किडनी के, लंग के, हार्ट के, स्किन के, बोन के, सभी सेल्स के ऊपर देखा। एजिंग प्रोसेस को जो चल रहा है उसको रिवर्स करने के लिए इम्यूनोग्रिट, नहीं तो लोग लाखों लाखों रुपए की दवा खाते हैं। एक फंक्शन में मैं दिल्ली गया था तो बोले जी हमने 25 करोड़ का पैकेज दिया एक मिडिल ईस्ट के एक देश के जो भी वहाँ किंग है उसको, और उसने ले लिया, थोड़ा उसको चेंज देखा, उसी में खुश हो गया। अरे योग कर लो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो, ये इम्यूनोग्रिट दो दो गोली खा लेना। अब बताओ 5 रुपए की गोली और आप जो बूढ़े होने से बच जाएँ, इससे बड़ी क्या चीज़ है। और स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है जो खुश रहते हैं ना, आपने देखा होगा जो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि बन जाते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है 10-20 साल। स्वामी जी इसका राज क्या है? किसी को कुछ बड़ा मिल जाए तो नहीं, उनका अच्छा राज नहीं, मिल जाए, स्वामी जी, आप अपना ही अच्छी राज पत्नी बता मिल जाए, अच्छा कोई पद मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाए। अब मैं भी 150 साल जीने वाला हूँ क्योंकि मुझे करीब 250 सन्यासी बच्चे मिल गए जो आप पीछे चित्र देख रहे हो ना, ये जो है तो खुशी से ना आयु बढ़ती है और दुखी होने से आयु घट जाती है, और दुखी होने से स्वामी जी फिर दर्द भी होने लगता है, और इंसान बना करके दुनिया की सारी दौलत परमात्मा ने। एक और विषय इसी में शामिल कर लेते हैं स्वामी जी, ये जो दुखी रहते हैं ना, जो लोग डिप्रेशन का जो शिकार रहते हैं, अक्सर वो ये कहते हैं उन्हें फिर दर्द होता रहता है, कभी कोई कहता है आधे हिस्से में, कभी कोई कहता है पूरे सिर में, ऐसा लगता है कि घंटा बज रहा है। तो स्वामी जी योग अभ्यास के साथ साथ प्राणायाम और ध्यान भी आप करवा दें जो सिर दर्द को दूर भगाए। देखो सिर दर्द के लिए एक तो मेधावटी बहुत है, बहुत ज़्यादा किसी के बार बार सिर दर्द होने से दिमाग की नसें इतनी कमज़ोर पड़ जाती हैं, वो फिर कहते हैं जी क्या करें अब, तो मतलब इतना ब्रेन, नर्वस सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया, अब हमारा काबू ही नहीं लगता, हिम्मत हार जाते और गांव की भाषा में बोलते सब छोड़ देते, उत्साह उनका भीतर का खत्म हो जाता है। तो मेमोरी ग्रिट खाली पेट रहने से इससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफीनिया, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन होने पर तो फिर न्यूरोग्रिट भी साथ में दे देते हैं ये, तो खाली पेट ये मेमोरी ग्रिट और खाने के बाद ये मेधावटी लेने से सिर में दर्द भी अच्छा हो जाता है। और बादाम रोगन नाक में डलवा देते हैं, नाक में डालो बेटा, उधर नस्य करो, बादाम रोगन डालो, बादाम रोगन नाक में डाल देते हैं, बादाम रोगन से सिर पे मसाज करके, चेहरे पर मसाज करके विधिवत सिरोधारा करते हैं, ये सिर में दर्द के लिए अप्रतिम है। फिर ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, एक रिदम के साथ देखो, आइडियल प्रैक्टिस ऑफ भस्त्रिका, ये भस्त्रिका आइडियल कपाल भाती, 1 सेकंड में एक बार, और 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, धीरे धीरे समय बढ़ता जाता, 2.5 से 5 में लेना, 2.5 से 5 में छोड़ना, इस अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से, उद्गीत से, और ये सब करते हुए ओंकार का ध्यान धारे, ओंकार आधार है इस जीवन जगत का, सब कुछ उसी ओंकार ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। देखो ये सारा जगत भगवान की मूर्त अभिव्यक्ति है, दिस होल यूनिवर्स इज अ लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी, इस सारे जगत को भगवान का मूर्त विग्रह मान करके, सगुण साकार रूप मान करके, सारे जगत में सियार राम है, सब जगत जानी वासुदेव सर्वम, ओम सर्वम खड़ो इदम ब्रह्म ईशावास्यम इदम सर्वम की दृष्टि रखना, और चित्त भगवान में लगा रहे अंतर, माने सारा जगत भगवान का मूर्त रूप है, इस जगत के पीछे जो जगदीश्वर है, इस ब्रह्मांड के पीछे जो ब्रह्म है, इस माया के पीछे, इस काया के पीछे,
जी परम तत्व परमात्म तत्व उसमें हमारी अगाध श्रद्धा भक्ति निष्ठा रहे तो ना तो कोई सिर दर्द। ऐसे आजकल तो वैसे ही बोले बहुत सिर दर्द है जिंदगी में, गृहस्थी होना भी सिर दर्द, व्यापार करना भी सिर दर्द, एंकरिंग करने में बहुतों को सिर दर्द होने लग जाता है। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 6 बजे तक ये तो 12 घंटे की ड्यूटी होगी, कोई दूसरा काम ढूंढते हैं। तो ऐसे जो मतलब निकम्मे लोग हैं, प्रमादी लोग हैं, पड़े हुए मगरमच्छ की तरह ऐसे की जिंदगी नहीं बनाई, उसको का प्रमाद हो मृत्यु अकर्मादस्य हो। स्वामी जी तब तो दर्शकों को ये कहना पड़ेगा फिर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। 7:56 रोज सुबह इंडिया टीवी पर। बिल्कुल टाइम भी आपने बता दिया स्वामी जी। अब सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल चिक्कू का है, खाने वाला चिक्कू नहीं लग रहा है, निकनेम के साथ भेज दिया। तो चिक्कू ये पूछ रहे हैं वो हाइपर एसिडिटी की समस्या के शिकार है, इसके लिए वो उपाय जानना चाहते हैं। तो देखो चिक्कू जी या चिक्कू घर में ना प्यार से बोल देते हैं, हाइपर एसिडिटी के लिए मैं छोटे छोटे 5 उपाय बता देता हूँ, कई बार 10 बताता हूँ तो लोगों को याद नहीं रहता। वीट ग्रास ले ले, एलोवेरा ले ले, फ्रेश एलोवेरा मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो पतंजलि का ले ले हम देते हैं। लौकी का जूस पी ले, अथवा ये 3 तो ये हो गए, जीरा धनिया सौंफ का पानी रात को भिगो दिया, सवेर का पानी एक बिल्कुल सटीक अवपत्य का 400 ग्राम और उसमें मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिला लें और इसको सुबह शाम ले लें, इसी से ही पूरा पित्त का प्रशमन हो जाता है। मिट्टी पट्टी पेट पर रख देते उससे भी, और ऐसी पिंडली दबा देते इससे भी पित्त का प्रशमन हो जाता है, मन को शांत कर लो। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। तो अपने मन की अंदर तरंगे उठते रहते, प्रवाह उठते रहते, कामनाओं के वासनाओं के तृष्णाओं के वेग उठते रहते, जिसने इन वेगों को रोक लिया योग चित्त वृत्ति निरोध वो योगी हो गया, नहीं तो वृत्ति सारूप में मित्र रहता जो मन में उठता रहता है व्यक्ति उधर ही भागता रहता है और वो फिर कहाँ जाकर के पड़ता है कितना नीचे गिरता है उसको भी पता नहीं। इसलिए आओ अब बहो नहीं भागो नहीं जागो रे जागो उत्तिष्ठता जागृता। तो जी स्वामी जी चीकू का सवाल हो गया, मुदित का सवाल ले लेते हैं। पेट में दर्द कब्ज और भूख नहीं लगती है, इनके लिए उपाय। पेट में दर्द है कब्ज है भूख नहीं लगती, एक तो चित्रकादी वटी लिया करे खाने के बाद, लिवोग्रिट लिवामृत तो है ही लेकिन चित्रकादी वटी गैस को एकदम ठीक कर देती, पेट में दर्द नहीं रहेगा। फिर गैसर चूर्ण ले लिया करें, भूख नहीं लगती, द्राक्षा सौ पिया करें खाने के बाद। हाँ और किसी को कब्ज बहुत रहता है तो द्राक्षा सौ और अभयारिष्ट दोनों मिला करके ले लो, अभयारिष्ट कब्ज की परमानेंट औषध है। ऐसे तो सप्ताह में एक बार त्रिफला ले ही लेना चाहिए। जब हम भी देखते हैं कई बार खाने पीने का शेड्यूल जब बहुत गड़बड़ हो जाता है तो हम भी कभी कभी त्रिफला चूर्ण ले लेते हैं, हम भी कभी कभी खाने के बाद अभयारिष्ट पी लेते हैं, कभी द्राक्षास पी लेते हैं, उससे ना एकदम नींद भी अच्छी आती है, भूख भी अच्छी लगती है, चित्त बहुत प्रसन्न रहता है। ज़्यादा नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा पीना, वाइन पीने की जरूरत नहीं है, द्राक्षास पियो। जी स्वामी जी अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अगला सवाल अभिषेक का है, उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है और चश्मे का नंबर बढ़ गया है, क्या उपाय करें स्वामी जी। दो उपाय छोटे छोटे, शीर्षासन सर्वांगासन और शिरोधारा, ये तो सब बताया था जननेत्र सूत्र ने। दो उपाय छोटे छोटे ये हैं, एक तो अनुलोम विलोम ज्यादा करें, आई ग्रिट ले लें, आई ग्रिट आंखों के चश्मे के लिए नजर को अच्छा रखने के लिए आई ग्रिट से बेहतर कुछ भी नहीं, और सौम्य डाल आइग्रेट दो दो गोली सुबह शाम, और यदि हो सके तो आंवला एलोवेरा गिलोय इसका एनिमल ले लें। ये करवा करके मैंने 7 दिन में भी लोगों का चश्मा उतरवाया, बताओ। बाकी कैटरेक ग्लूकोमा, कैटरेक है ग्लूकोमा है तो फिर आपको दृष्टि डालनी पड़ेगी, सामान्य नजर की कमजोरी है तो सौ में ही डालो, और मैं भी डालता हूँ, 100 साल तक मेरी आँखों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर ये त्राटक तो बताते ही आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, घास पर नंगे पैर चलना
उधर भी वो बालक तब से लगा हुआ है, उसका भी अब चश्मा हट जाएगा। ऐसे ये छोटी छोटी बातें हैं जी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए स्वामी जी। चिक्कू मुद्रित उत्सुक रहते अभिषेक के बाद अब मोनी ने भी एक सवाल भेजा है। मोनी का सवाल ये है कि उनको 2 महीने से नाक से खून आने की समस्या हो रही है, किसी भी समय नकसीर फूट जाती है, खून आ जाता है, तो क्या उपाय करें? जो मोनी ने भेजा है ये नकसीर तो मुझे भी फूटा करती थी और मैं इसके 5 उपाय बता देता हूँ छोटे छोटे। सबसे पहले जो मैंने अपनाया, मैं छोटा बालक था तब माने रही मारा दही बोलते हैं, रात को दही जमा दिया, सुबह उसको अच्छे से मथले, मक्खन निकलने से पहले एक स्थिति होती है ये बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने वो दही पिया था 7 दिन तक, शायद 7 दिन 10 दिन जो भी होगा माने पिलाया। 1 गिलास रही बिलवाया दही, उसको बोलते हैं रही मारा दही बोलते मक्खन निकलने से पहले। दूसरा उपाय है शीशम या पीपल के पत्तों का रस डाल दो। पूजना गांव है, मैं एक दिन वहाँ गया हुआ था, आज से ये लगभग 30 साल पहले की बात है। अचानक एक आदमी को ऐसे मोटी मोटी कैसे गिल्टी सी निकलने लगी, मैंने तुरंत वहाँ पीपल का पेड़ था, मैंने रस उसको कूटा तुरंत और तुरंत निचोड़ करके हाथ से डाल दिया ना एकदम रक्षित पाल। और फिर बाद में पूजना के हमारे भाई हैं बोले मेरे से आकर के, अभी भी आते रहते हैं नरेश जी, बोले स्वामी जी उसको दोबारा कभी नकसीर आई नहीं, आपने क्या अक्सीर दवाई दी थी नकसीर की। फिर शीशम के बेल के पत्ते, दूरवा घास, संजीवनी घास, इसको पी भी सकते हैं और पित्त बढ़ा हुआ है ना, तो पित्त से ही अक्सीर फूटती है। छोटी सी बात स्वामी जी, इसी में इलाज आप बताइए, ये सेफ प्रैक्टिस है या नहीं? वो भी ले, ये जो आपने दूरवा की बात की तो क्या मिश्री और दूब जो है उसे पीस कर साथ में पिलाने से भी असर पड़ता है? और इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या जो लोग कभी कभी ठंडे पानी की पट्टी करते हैं, क्या वो सेफ प्रैक्टिस है? हाँ ठीक, एकदम ठीक, मिश्री का पानी। और वैसे भी मैं तो कहता हूँ घड़े का पानी पीते रहो। और एक बात और, घड़े का पानी पियो और रात को ना चिकनी मिट्टी, जो जंगल की चिकनी मिट्टी, हम यहाँ से लोगों को मिट्टी भी देते हैं अच्छी मिट्टी, साफ मिट्टी भी लोगों को नहीं मिलती, इस धरती को गंदा करके हमने यूरिया डी ए पी जहर डाल डाल करके हम फर्टिलाइज पेस्टिसाइड चालू कर जहरीला वातावरण। तो जो जंगल की साफ मिट्टी होती है ना, रात को भिगो दो और उसका जो नितरा हुआ पानी है वही नाक में डाल दो, जो जलने की नहीं कर पाते हैं ना, ऐसे ही पानी के ड्रॉप्स मात्र डाल दो, उसी से भी उस पानी को सूंघ लेते, मिट्टी का पानी सौंधी सौंधी खुशबू आती है उसके अंदर, उससे भी ये सिर दर्द से लेकर के नकसीर से लेकर के बहुत सारे लोग ठीक होते हैं। वैसे तो निरंतर ये बादाम रोगन डालने से भी नकसीर नहीं आती, और जिनका प्लेटलेट कम होता है उनको भी नकसीर ज़्यादा आती है। तो प्लेटोग्रिड, अनार और उसका पपीता के पत्तों का रस, गिलोय, विटग्रास, एलोवेरा, इन 5 चीज़ों का रस भी पीने से वो प्लेटलेट भी बढ़ जाते हैं। और घटने पर तो नकसीर आता है, बढ़ने पर बहुत दिक्कत हो जाती है, कावासाकी पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाती है। स्वामी जी योग प्राणायाम ध्यान के बाद नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए भी आज दालचीनी ले जी, आज स्वामी जी आपको नुस्खे बताने होंगे कि कैसे नेगेटिव इमोशंस को दूर करने का भी कोई नुस्खा है। और ये बहुत मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आप हर दिन ऐसे नुस्खे बताते हैं जो बड़ी आसानी से घर में किए जा सकते हैं। तो स्वामी जी जब तक आप इसकी तैयारी करें तब तक हम बता देते हैं कि कल के शो में क्या खास होने वाला है। खराब पोस्चर, बिगड़ा लाइफस्टाइल, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बनना चाहे संकट, लाख कोशिश के बाद भी दर्द जाता नहीं, बीपी, शुगर, थायराइड का क्या है सोल्यूशन, बॉडी फिट, इम्यूनिटी हाई, बैलेंस होगी लाइफ। ज्वाइन कीजिए स्वामी रामदेव की योगी क्लास कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी तो देखो मीनाक्षी जी, लोग बेर खाने में, मेरे को कुछ लोग ना खाने में इतने प्रमादी होते हैं, वो चबाते नहीं है, अच्छे से चबाओ तो कब्ज भी नहीं होगा, रस भी पूरा मिलेगा, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, पूरे पोषक तत्व मिल जाते हैं आहार के। तो हमने बेर का भी जूस बता दिया है, तो जो ऐसे ये बेर का जूस पी लेंगे ना, अब बेर का जूस ही पी लिया आपने, तो ये बेर का जो जूस है ये भी आपको बड़ा सुकून देता है
और इससे आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाता है तो और पेट भी बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे तो चबा चबा करके खाएं कोई भी चीज़ को फाइबर के साथ तो फायदा है, देखने में ओ बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये जो इलायची है ना, इलायची को कूट करके अमाम दस्ते में और उसकी चाय बनाए, ये भी मन को बड़ी शांति देती है, बड़ी पौष्टिक रह और इससे मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो इलायची इसका चाय बना दिया। फिर देखो ये अश्वगंधा, ये शतावर, ये मस्तिष्क को ताकत देते हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी डाला, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो फिर शरीर को सहन नहीं होता। तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली और इसमें ब्राह्मी शंखपुष्प भी डाल दिया। तो ये हमने पहले ना, आज याद आ गया, 30 साल पहले हमने ब्रेन टी बनाई थी, तो ये आज हमने बता दी ब्रेन टी। ये ब्रेन टी ध्यान रखना है, ये सब कुछ करना है बिना चाय पत्ती डाले। ये ना समझे कि दूध और चाय पत्ती डाल दे, कुछ नहीं डालना, और इलायची वाली चाय बना डाले, चाय पत्ती और डाल के ऊपर से पूरा पूरा अमृत भरा हुआ है घड़े में और उसमें 2 बूंद जहर की डाल दी, ऐसा नहीं करना। और गाय का घी जैसे मैंने कहा इसका सेवन करें। रेडीमेड चाय भी डालें तो हर्बल टी डालें ना, जिनकी इम्यूनिटी बहुत है, इम्यूनोग्रिट इस क्वाथ को डालें तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो और मिलेट्स का सेवन करें स्वामी जी, आज के लिए इसके लिए हम जौ और अलग अलग प्रकार के रागी, सिंघाड़ा, इस सब का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत प्रणाम। आज के बाद किसी को अब डिप्रेशन नहीं रहेगा, स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं रहेगी। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।